ये देखिए, हम जो है तकरीबन चिकन ब्रेड जो बना रही हूँ मैं, उसके लिए तकरीबन 250 ग्राम्स मैंने आटा लिया है। ठीक है जी, अब इससे मैं आपको बनाना बताऊँगी चिकन की ब्रेड। इसमें मैंने थोड़ा सा फ्लावर डस्ट किया, उसको हम बेलेंगे। लंबाई में बेलेंगे इसको हम इस तरीके से। बेलना है आपको, ठीक है जी। इस तरीके से हम इसको बेलते जाएंगे। अच्छे से हो गया। अब हम इसको पिज्जा बैटर की मदद से, इसको हम पिज्जा बैटर की मदद से कट करते जाएंगे। ये देखिए, ठीक है। ठीक है जी, हमने इसको कट कर लिया। इसको फिलिंग रखनी है जो हमने तैयार की थी अभी। इस तरीके से हम इसको फिलिंग रखते जाएंगे। ठीक है, इसको चीज डालेंगे हम मजेदार सा। ठीक है, ये इसको फिर हम इस तरीके से बंद कर देंगे। ये फिश स्टाइल मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, ये देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से ये बंद हो रहा है। ठीक है जी, ये देखें, ये पूरा पैक हो गया। ठीक है, हमने इसके फिश स्टाइल बना रहे हैं, बच्चों को खूबसूरत लगेगा ये बहुत। ये देखें, हमने इसकी मदद से इसको इसके इम्प्रेशन दिया खूबसूरत सा। ये देखें, ऐसे हो गया। एक हम काली मिर्च यहाँ लगा देंगे, हमारी फिश स्टाइल ब्रेड। ये देखें हमारी, ये जो हमने फिश ब्रेड बनाई है ये तकरीबन हमारी प्रूफ हो गई है। अब हम इसको एग वॉश लगाएंगे अच्छे से पूरे उसको, ताकि अच्छा कलर भी आए इसके ऊपर। और उसके ऊपर हम सेसमी सीड्स लगाएंगे इसके ऊपर। ये देखें, हम इसको एग वॉश लगाएंगे इस तरीके से पूरे पे अच्छे से। ये हमने लगा दिया एग वॉश इस पर। अब हम इस पर सेसमी सीड्स डालेंगे ताकि खूबसूरत से इस पर एक लुक आए अच्छा सा। आप लोग ज़रूर ये ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा इसका टेस्ट, के बच्चों को आपके फैमिली को कैसा लगा। ठीक है, अब हम इसको बेक करेंगे 190 डिग्री पे तकरीबन 20 से 25 मिनट के 25 मिनट के लिए। ये जनाब देखिए इसकी फ़ाइनल लुक कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और ये फिश स्टाइल जो बनाई थी हमने, ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। इतनी मज़े की स्मेल आ रही है ना किचन में इस वक्त। यम्मी।